सो गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे यार, जैसे कि आपको पता है, सैमसंग एक एम सीरीज़ के अंदर इंडिया में नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है। इसको ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल चुका है और इसका फर्स्ट बैनर पोस्टर भी आउट हो चुका है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी भी दे दी है। 2 हफ्ते बाद ये इंडिया में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ सैमसंग का एक और नया बजट 5G फ़ोन भी इंडिया में देखने को मिलने वाला है और ये भी इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर स्पॉट किया जा चुका है। ये एक नया ए सीरीज़ के अंदर फ़ोन होने वाला है। बजट 5G होगा। सैमसंग गैलेक्सी A32 5G के नाम से फ़ोन होने वाला। इसकी वजह से कुछ दिनों पहले क्या 2020 में नवंबर दिसंबर में बहुत सारी फोटोज लीक हुई थी, इसके काफी सारे डिटेल्स लीक हुए थे और यहां पे आज फाइनली ये इंडिया की BIS पे लिस्ट हो चुका है। बताने वाला हूं इसी सैमसंग के अपकमिंग नए बजट 5G के बारे में, कब तक देखने को मिल सकता है, किस प्राइस में आ सकता है और क्या कंप्लीट हमें फीचर्स और स्पेक्स हमें देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन से। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको कुछ लुक रहने वाला है। पीछे में वैसे बताया जा रहा है 3 कैमरा होने वाला है, जो मेरे हिसाब से शायद एक डाउनग्रेड है इसके जो प्रोड्यूसर था A31 को लेके। A31 के अंदर आपको 4 कैमरे थे, लेकिन बताया जा रहा है A32 5G जो होगा वो 3 कैमरे के साथ देखने को मिलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये इसका फर्स्ट डिजाइन है। आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में एक छोटी वाटर ड्रॉप की नॉच और एक काफ़ी बड़ी डिस्प्ले रहने वाली है जो कि 6.5 इंच की रहने वाली है। अब यहाँ पे एमोलेड नहीं रह के बताया जा रहा है कि IPS LCD डिस्प्ले रहेगी और हाइयर रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलने वाली है। अभी तक ये लीक है, बताया जा रहा है कि आपको एमोलेड देखने को नहीं मिलने वाली है डिस्प्ले A32 5G के अंदर। चिपसेट की बात करते हैं तो इस बार आपको एक्सोनस ना होकर यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी लेटेस्ट 720 देखने को मिलने वाला है, जो कि एक नया बजट 5G चिपसेट है और उसी के साथ अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी A32 5G आने वाला है। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी यहाँ पे आपको लगभग 5000 mAh की रहने वाली है और वही सैमसंग की 15 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। तो ये यार सही नहीं है, हमें फास्ट चार्जिंग पता नहीं सैमसंग कब बेहतर देगा, लेकिन यहाँ पर आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। फोन एंड्रॉयड 10 पे ही आएगा, 11 पे नहीं आएगा ऐसा बताया जा रहा है और लेटेस्ट वन UI की लेयर देखने को मिलने वाली है। कैमरा डिटेल्स तो नहीं पता चला है, लेकिन बताया जा रहा है 48 का प्राइमरी सेंसर और 8 MP का सेकेंडरी और एक और 5 MP का डेप्थ या फिर मैक्रो सेंसर रहने वाला है। कैमरा डिटेल्स वैसे अभी बताया जा रही 3 रहने वाला है, लेकिन अभी इसको लेकर कन्फर्म नहीं है डिटेल। तो ये कंप्लीट वैसे पैकेज रहने वाला है अपकमिंग सैमसंग का लेटेस्ट A32 5G। इंडिया की BIS पे लिस्ट हो चुका है, इसलिए इसका इंडिया लॉन्च भी बहुत नज़दीकी है और पता भी चला था कि फ़ोन जनवरी खत्म होते होते इंडिया में देखने को मिलेगा। तो शायद लगता है कि आपको जनवरी लास्ट में ये फोन इंडिया में हमें लॉन्च होता हुआ दिखेगा A32 5G या फिर फरवरी की शुरुआत में। वैसे कुछ अपर बजट वाले भी 5G फोन आने वाले हैं, जैसे कि A52 42 और 72 जैसे फोन है, लेकिन लगता है कि सबसे पहले आपको 5G बजट में A32 ही देखने को मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी अपकमिंग सैमसंग के लेटेस्ट A32 5G की। वैसे सैमसंग का एम सीरीज में भी नया बजट फोन आने वाला है जिसकी ऑलरेडी मैंने डिटेल दी है पिछले वीडियो में, अब जाके डेफिनेटली उसे भी चेकआउट करें। और ये सैमसंग के एक और नए बजट 5G को लेकर डिटेल थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर ले और अभी तक देख रहे तो लाइक कहीं नहीं जाए। और आप बताइए यार, आप किस स्मार्टफोन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है? वैसे मैं यार सच बताऊँ तो मैं अपकमिंग Xiaomi के Note 10 सीरीज को देखना चाहता हूँ। बहुत इंतजार हो गया यार, दिवाली में इस फोन को आना चाहिए था, लेकिन दिसंबर खत्म होके जनवरी आ गई और अभी तक इस फोन की इंडिया लॉन्च का कोई अता पता नहीं है। बाकी आप बताइए यार, आप किस स्मार्टफोन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है? बाकी उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।